अब खबर 2024 के रण की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सारे इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए, उनका एक ही काम है, सुबह शाम मोदी जी को गाली देना। मगर इस तरह से देश नहीं चलता है। ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, ये चुनाव जो है देश के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये चुनाव है भारत को दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव। ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहिए। एक कांग्रेस वाले कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, देश को शरिया के आधार पर चलाएंगे। राहुल गांधी कान खोल कर सुन लो, हमारा चुनावी वादा है पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे, देश शरिया से नहीं चलेगा, यूसीसी से। कांग्रेस के समय में विभाजन हुआ आजादी के वक्त, हमारे जो हिंदू सिख बौद्ध जैन भाई बहन बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान में रह गए थे, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए नहीं? इसके लिए मोदी जी सीए का बिल लेकर आए। कांग्रेस पार्टी कहती है हम सीए का बिल समाप्त कर देंगे। अरे उद्धव जी, स्पष्टता करो, कांग्रेस पार्टी के सीए वापिस लेने के फैसले के साथ आप हो या नहीं?